गाइस आपको तो पता है कि अपने फ्री फायर गेम में बहुत जल्द दिवाली का इवेंट स्टार्ट होने वाला है। एंड मेरे को पता है कि भाई लोग आप लोग बहुत ज्यादा ही वेट कर रहे हो अपने दिवाली इवेंट का, बिकॉज भाई लोग अपने दिवाली इवेंट के अंदर आप सभी को बहुत सारे मस्त मस्त इवेंट देखने को मिलते हैं, फ्री का बंडल मिलता है, फ्री में आप सभी को इमोट वगैरह मिलते हैं, साथ में आप सभी को बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलते हैं एंड मैजिक क्यूब वगैरह मिलता है, एंड मैजिक क्यूब में अपडेट भी आता है, एंड भाई बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड मिलते हैं। तो गाइस हम सभी को आपकी बार कौन कौन से रिवॉर्ड मिलने वाले दिवाली इवेंट के अंदर से, तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड भाई लोग साथ ही साथ आप सभी के बहुत ज्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे कि आकाश भाई हमें ये बताओ कि अपने दिवाली इवेंट के अंदर से हम सभी को अपना दिवाली विश इवेंट देखने को मिलेगा, एंड हर बार की तरह हमारे दिवाली विश इवेंट में से हम सभी को कौन कौन से रेयर बंडल देखने को मिलेंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी को सारा सब कुछ बताने वाला हूं, तो गाइस यार वीडियो को पूरा देखना, अभी मजा आएगा ना वीडियो। एंड भाई लोग उसी के साथ बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर बात करने वाले, जैसे कि अपने गेम में एक बहुत ही बड़ा इवेंट आने वाला है जिसके अंदर आप सभी को बहुत सारी जितनी भी अपनी फिस्ट की स्किन है ना भाई, सारे के सारे फिस्ट की स्किन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर से तो भाई एक फिस्ट का स्किन तो भाई कंफर्म है आप सभी को निकल जाएगा। तो ये कौन सा इवेंट होने वाला है, कब आने वाला है, उसकी कंफर्म डेट क्या होगी, सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस यार वीडियो को पूरा देखना भाई, पूरा लास्ट तक देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। तो चलो भाई लोग यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक। तो देखो भाई लोग, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है अपने दिवाली इवेंट आप सभी को अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अक्टूबर मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखो हम सभी को फ्री का मैजिक क्यूब मिलता है, फ्री का इमोट भी मिलता है, एंड साथ में बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। तो आपकी बार मैजिक क्यूब तो कन्फर्म है, जो कि मैंने आपको बता दिया था, एंड इमोट ये वाला मिलने वाला है जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, ये कैंडल वाला इमोट, ठीक है, तो जिसको नहीं पता तो पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो गाइस ग्लू वॉल का पूरा स्किन का वीडियो निकल के आ चुका है, आप सभी को कुछ इस टाइप से ग्लू वॉल का स्किन देखने को मिलेगा। एंड लिटरली भाई लोग ग्लू वॉल का स्किन क्या ही तो भाई खतरनाक लग रहा है, इसके ऊपर शेर का मुंह बन रखा है भाई लोग, ये वाला मस्त ग्लू वॉल का स्किन ना आप सभी को ये दिवाली पास के अंदर देखने को मिलेगा। एंड दिवाली पास के अंदर आप सभी को पता है 99 डायमंड से ही आप सभी को मिल जाता है, तो भाई बहुत ज्यादा सही है। आप सभी को देखो ना भाई, इतना ज्यादा तगड़ा ग्लू वॉल का स्किन मिलेगा तो भाई मजा सही आ जाएगा। तो भाई मेरे को तो काफी ज्यादा सही लग रहा है, आप सभी को कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी गाइस यहाँ पे देखो एक फिश का स्किन निकल के आया है जिसका पूरा क्लियर वीडियो निकल के आ चुका है, तो देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से फिश का स्किन देखने को मिलेगा, जो कि भाई लोग आप सभी को किसी फेडेड व्हील के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिश का स्किन ज्यादातर आप सभी को फेडेड व्हील के अंदर देखने को मिलता है, नहीं तो भाई लोग एक इवेंट आने वाला है ना जिसके अंदर आप सभी को सारे के सारे फिश का स्किन देखने को मिलेगा, तो वो इवेंट मैं आप सभी को थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे देखो ये वाला मेल का बंडल होने वाला अपना दिवाली इवेंट का, जो कि आप सभी को लूडो इवेंट से देखने को मिल जाएगा, नहीं तो एक अपना आता है रंग दे रंगोली करके इवेंट जिसके अंदर आप सभी को रंग भरना होता है, तो उसके अंदर भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। एंड भाई लोग यहाँ पे देखो भाई लोग अपना पैन का स्किन कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, क्या ही तो एनिमेशन, एंड अपने ये ग्रेनेड के स्किन में भी भाई बहुत ज्यादा मस्त एनिमेशन आ रहे हैं, मतलब फटते ही ना भाई इसमें से शेर का मुंह निकल के आ जा रहा है भाई, बहुत ज्यादा मेरे को गजब का लग रहा है। बाकी हम सभी को एक स्कार्फ भी देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा सही लग रहा है, और भाई ये फ्री में मिल जाए ना तो भाई मजा आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ खास तो लग नहीं रहा है भाई, फ्री में मिल गया तो बहुत ज्यादा मजा आएंगे। वैसे ये तो डायमंड में मिलता है स्कार्फ, और आपके पास कितने स्कार्फ मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, मेरे पास आई थिंक एक या दो होगा, ठीक है, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं। और स्कार्फ पर तो भाई पहले क्या ही ट्रेंड निकल के आया था, सारे बंदे स्कार्फ लगा के ही घूमते थे, तो पहले भाई बहुत सारे ट्रेंड, लेकिन अभी आप सभी को ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा फ्री फायर के अंदर, बिकॉज आप सभी के स्कूल वगैरह खुल गए होंगे एंड आपके एग्जाम वगैरह भी आ रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे भी हैं, ठीक है। बाकी गाइस चलो छोड़ो ये सबको, और क्या कह रहा था मैं कि गाइस अभी देखो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मतलब क्या ही बोले, 2022 साल बहुत ज़्यादा बेकार गया, कभी गेम बैन हो गया, कभी कुछ हो रहा है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की डेथ हो रही है, एंड बहुत कुछ हो रहा है, एंड वैसे ही अपने स्काईलॉर्ड भाई की भी डेथ हो गई, तो भाई क्या बोले भाई मेरे को ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। एंड अभी भी भाई मैं बस पूरे दिमाग में ना यही चल रहा है कि भाई कैसे हो गया, मतलब समझ सकते हो भाई उनका तो कुछ एज भी नहीं हुआ था, तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बाकी आप सभी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे को भाई कमेंट में आपने बताया, एंड अभी ना भाई बहुत सारे यूट्यूबर इसी चीज़ का फायदा उठा के भाई व्यूज़ ये सब भी छाप रहे, तो क्या बोले भाई, फ्री फायर कम्युनिटी इसलिए थोड़ी बेकार लगती है मेरे को। छोड़ो ये सब, और स्काईलॉर्ड भाई जहाँ पे भी रहे तो रेस्ट इन पीस स्काईलॉर्ड भाई, एंड क्या बोले भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, समझ रहे हो ना, मतलब बाइक की ऐसी समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा तगड़ी बाइक है कावासाकी, समझ रहे हो ना भाई लोग। एंड मैं भी भाई सोच रहा था कुछ ऐसे ही करने का, व्लॉग व्लॉग स्टार्ट करने का, तो अब तो भाई बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एंड समझ रहे हो ना, जब स्कूल जाता हूँ फिर भी मेरे को आजकल डर हो रहा है, पूरे दिमाग में यही चल रहा है, स्कूल में भी बैठा रहता हूँ यही दिमाग में चलता है कि भाई कैसे हो सकता है, विश्वास ही नहीं हो रहा है भाई, समझ रहे हो ना। एंड आप सभी को पता है दिल्ली में भाई कैसे चलती है बाइक गाड़ियाँ, तो समझ सकते हो ना डर रहता है। और आप सभी भी कहीं पर भी ट्रैवल करो तो भाई संभल के, क्योंकि भाई लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है, बाकी सेफ रहो। एंड अभी भी भाई क्यों बुरा लग रहा है, क्योंकि देखो भाई उनके फैमिली वालों पर क्या बीत रही होगी, इतना अच्छा भाई दिवाली दशहरा भाई फेस्टिवल था, समझ सकते हो बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया, तो क्या कर सकते हैं भाई। तो आप भी बताना आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई लोग चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, है ना, नहीं तो इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाने से अच्छा, मतलब मैंने आपको वीडियो के बीच में ही 2 मिनट बोल दिया, नहीं चाहिए भाई, मैं व्यूज़ ये सबके अलग ही गिल्टी वाली फीलिंग होती है, इसलिए मैं इन सब टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बताता हूँ, बनाता हूँ एंड वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ, ठीक है, जो बताना होता है। बाकी कुछ बंदे स्किप भी कर देते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। वेल वेल छोड़ो, अभी हम लोग बात करने वाले कि गाइस आप सभी को मैंने बताया कि अपने गेम में एक फिस्ट का इवेंट आने वाला है जिसके अंदर आप सभी को 5-6 भाई जितने भी अपने गेम में फिस्ट की स्किन आई ना सब कुछ आप सभी को देखने को मिलेगा। तो
ये वाला इवेंट है ना भाई लोग, आप सब देख सकते हो कुछ इस टाइप का होने वाला है। फॉर्च्यून ऑफ फिस्ट करके आने वाला है, फिस्ट फॉर्च्यून करके इसका इवेंट आएगा। तो इसके अंदर आप सभी को छह और मतलब कितने भी स्किन आ जाएगी फिस्ट की, ठीक है, जिसके अंदर आप सभी को स्पिन वगैरह करना होगा डायमंड से। एंड आप सभी को यहाँ पे एक तो भाई कन्फर्म फिस्ट का स्किन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो भाई बहुत ज्यादा मेरे को मस्त लगा। एंड इसके अंदर आप सभी को नया वाला भी फिस्ट का स्किन देखने को मिल सकता है, एंड जितने भी अपने पुराने फिस्ट की स्किन है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा तगड़ा इवेंट है ये, आप सभी को बुइया डे इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, नहीं तो अपने दिवाली में तो कन्फर्म है आप सभी को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी भाई लोग मैंने आप सभी को बताया कि गाइस अपने गेम में ना एक दिवाली विश इवेंट करके आता है, तो दिवाली विश इवेंट ना हर साल आता है अपने गेम में, लेकिन आप सभी कह रहे हो आकाश भाई अब की बार हम सभी को दिवाली विश इवेंट देखने को मिलेगा। भाई लोग आप सभी को देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसमें गरीना वालों का ही फायदा है, डायमंड टॉपअप वगैरह आप लोग कर लेते हो रेयर बंडल को देखते ही, तो इस वजह से। बाकी आप लोग टॉपअप वगैरह मत करना। बाकी देखो जो भी बंदे जिसके पास पहले से डायमंड है तो उनको भाई मतलब जानना था कि दिवाली विश इवेंट आएगा। तो देखो गाइस आने वाला है दिवाली विश इवेंट जिसके अंदर आप सभी को बहुत सारे रेयर बंडल देखने को मिलेगा। इसके अंदर बताया जा रहा है आप सभी को ब्लैक वाला जो अपना क्लाउन वाला बंडल था वो सब देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ भाई लोग आप सभी को बहुत सारे मिस्टिकल और बहुत सारे आते हैं बंडल, ठीक है, वो सब आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। ब्लू आर्टिक बंडल हो गया, ब्रेक डांसर बंडल हो गया, एंड साथ ही साथ भाई लोग अपना रेड बंडल आ गया, क्रिमिनल बंडल, तो पर्पल येलो और ब्लू वाला कह रहे हैं कि आ सकता है, ठीक है, रिटर्न में, तो उसी के अंदर भर सकते हैं। तो देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी बनी MP40 हो गया, एंड बहुत सारी उसके अंदर गन की स्किन भी ऐड की जाती है, तो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। एंड ये कन्फर्म है आप सभी को दिवाली विश इवेंट देखने को मिल जाएगा अपने दिवाली इवेंट के अंदर। तो भाई लोग मैंने आप सभी को सब कुछ बता दिया कि आप सभी को दिवाली पास इवेंट देखने को मिलेगा, दिवाली विश इवेंट देखने को मिलेगा, क्या क्या मिलेगा सब कुछ उसके अंदर मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। एंड साथ ही साथ गाइस अब हम लोग बात करने वाले कि आप सभी को मैजिक क्यूब का तो मिल जाएगा, आप सभी को फ्रेगमेंट वगैरह मिल जाएगा, नहीं तो पूरा मैजिक क्यूब मिलता है दिवाली में, पूरा मैजिक क्यूब मिल जाता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि आकाश भाई मैजिक क्यूब मिल जाता है लेकिन क्या अपडेट देखने को मिलेगा, कौन सा न्यू बंडल देखने को मिलेगा? तो देखो भाई लोग न्यू बंडल का तो पता नहीं, लेकिन जितने भी अपने पुराने बंडल्स होते हैं ना, लाइक आपने ये वाले बंडल्स देखे होंगे, ये पुराने वाले बंडल्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारे पुराने बंडल्स हैं, बंडित बंडल हो गया, ठीक है, एंड टॉप गेमर बंडल होगी, यही सब आप सभी को दोबारा से देखने को मिलेगा, पुराने वाले बंडल जिन्हें आप एक्सचेंज कर सकते हो अपने मैजिक क्यूब से। तो इसमें एक आध नए बंडल भी आ सकते हैं, तो न्यू बंडल अगर आएंगे तो वही आपको डायमंड रॉयल वाले बंडल देखने को मिलेंगे, ज्यादातर इसमें डायमंड रॉयल के ही बंडल ऐड किए जाते हैं। अगर दूसरा बंडल आएगा मैजिक क्यूब के अंदर, मतलब बिल्कुल अलग ही हटके कोई बंडल निकल के आएगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। इतना कन्फर्म रहो कि आप सभी को मैजिक क्यूब के अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड अभी एक छोटा मोटा एक और इवेंट आने वाला है भाई लोग, जो कि होने वाला अपने सीबा पैट का। एंड यहाँ पे देख सकते हो सीबा पैट की थीम पे आप सभी को यहाँ पे एक गन का स्किन देखने को मिलेगा, एंड गन के स्किन के साथ आप सभी को इसका कुछ बंडल बंडल निकल के आया जो कि मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो पूरा सीबा पेट के थीम पे एक इवेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा मोटा सा इवेंट होगा जो कि आप सभी को देखने को मिलेगा, तो ये ज्यादा कुछ खास इवेंट नहीं है, दो तीन आइटम निकल के आए जो कि कल वाली वीडियो के अंदर ही कवर कर दूंगा। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड दिवाली इवेंट से कुछ पूछना है तो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जब तक ले बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, एंड वीडियो को लाइक करते हुए जाना, लव यू ऑल।